दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था, अब ट्रैवल चीफ के रेसलमेनिया में जीतने के चांसेस ना के बराबर हो चुके हैं। तो दोस्तों रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स आए थे और उन्होंने आते ही केविन ओवेंस और सैमी जेन को रिंग में बुलाया था ताकि उन दोनों के बीच वह सुलह करवा सके, मगर केविन ओवेंस ने कहा कि अब पहले वाली बात नहीं रही है और हाँ अब हम दोबारा दोस्त नहीं बन सकते। सैमी जेन ब्लड लाइन के खिलाफ मुझे तैयार करना चाहता है और वह मेरे साथ मिलकर ब्लड लाइन को खत्म करना चाहता है, मगर मैं सबके लिए तैयार नहीं हूँ। और यह बोलकर केविन ओवेंस रिंग छोड़कर चले जाते हैं। फिर एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें जे उसो और सैमी जेन आपस में बात करते हैं अपने पास्ट एक्सीडेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने ब्लड लाइन को धोखा दिया था, जिसके बाद जे उसो सैमी जेन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनको मारने लगते हैं। तभी वहाँ जिमी उसो भी आ जाते हैं और वह दोनों मिलकर सैमी जेन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। लेकिन फिर शॉकिंगली केविन ओवेंस की रिंग में एंट्री होती है और केविन ओवेंस आते ही द उसोस को पीटते हैं और उनको रिंग से भगा देते हैं और सैमी जेन को गले लगा लेते हैं। और दोस्तों फैली अब यह दोनों दोस्त वापिस आ चुके हैं और यह ब्लड लाइन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था कोडी रोड्स, क्योंकि कोडी रोड्स को पता था रेसलमेनिया में उनकी हार पक्की है, क्योंकि ब्लड लाइन काफी बड़ी टीम है और वह हमेशा हर इवेंट में अपनी टीम की बदौलत ही जीत हासिल करते हैं और आज तक इसी की वजह से चैंपियन बने बैठे हैं। लेकिन अब कोडी रोड्स के पास एक स्ट्रांग टीम है और ब्लड लाइन इस टीम के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तीनों रेसलर को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अकेले रोमन इन तीनों को संभाल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स में कौन जीतेगा? अब हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।